वेलकम टू माय चैनल फंक्शन माय वर्ल्ड। चलो लव स्टोरी ऑफ वेयरवुल्फ एंड वैम्पायर फंक्शन FF के पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। विंग और वांगजी एक दूसरे को इमोशनल होकर विदा करते हैं और अपने अपने दुनिया में आ जाते हैं। विभूषण पूरे 6 महीने बाद अपने वैम्पायर वर्ल्ड में आया था, वहीं दूसरी तरफ वांगजी भी 6 महीने बाद अपने वेयरवुल्फ वर्ल्ड में अपने भ्रमण से लौटा था। वो सबसे पहले अपने अंकल जिरेन और बड़े भाई शिचेन के पास मिलने हांगशी में जाता है। शिचेन और जिरेन बाउचे सैरन की प्रोफेसी के बारे में ही सोच रहे थे। उनको वांगजी के आने का पता ही नहीं चलता। वांगजी हांगशी का डोर नॉक करता है और रूम में अंदर आ जाता है और वांगजी शिचेन और क्यूरेन दोनों को बो करता है और उनको बताता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हो रहा है जिससे पता चले कि वेयरवुल्फ वर्ल्ड में ह्यूमन हमला करने वाले हैं। शिचेन और चिरेन का वांगजी की बातों पर कोई ध्यान नहीं होता। वांगजी वरीड होकर अपने अंकल और ब्रदर से उनकी टेंशन की वजह पूछता है। चिरेन बताता है कि कुछ दिन पहले बाउचे सैरन ने एक प्रोफेसी की है जिसमें वांगजी तुम्हारा फ्यूचर पार्टनर विभूषण होगा, वो तुम्हारा सोलमेट होगा और होने वाले हस्बैंड भी होगा और तुम दोनों मिलकर वेयरवुल्फ वर्ल्ड और वैम्पायर वर्ल्ड के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करोगे और तुम दोनों को जो बेटा होगा वो पूरे वर्ल्ड में सुख शांति और समृद्धि लाएगा। वांगजी चिरेन की बातें सुनकर गुस्से में कहता है कि मैं उस विभूषण से कभी शादी नहीं करूँगा। चिरेन कहता है कि ये तो प्रोफेसी है, इसको तो पूरा होना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तब वांगजी कहता है प्रोफेसी चाहे कोई सी भी हो कैसी भी हो पर मैं उससे शादी नहीं करूँगा और गुस्से में हांगशी से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद अंकल चिरेन भी हांगशी से चले जाते हैं। अंकल चिरेन अपने रूम में आने के बाद सोच में पड़ जाता है। वो बहुत सोचता है कि इस प्रोफेसी को झूठा साबित करने के लिए क्या क्या करे। बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर विभूषण ही नहीं रहेगा तो प्रोफेसी कैसे सच साबित होगी। समय ऐसे गुजरने लगता है। वांगजी भी अपने भाई और अंकल के साथ उनके काम में हेल्प करने में बिजी हो जाता है और उधर वैम्पायर वर्ल्ड में विभूषण भी अपने फादर के साथ काम में हेल्प करने लगता है और इस बीच कई बार विभूषण और लैन वांगजी ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर मिला करते थे। दोनों का प्यार और गहरा होता चला जा रहा था और 1 साल बाद दोनों अपने वादे के अनुसार यीलिंग में मिलते हैं। दोनों वहां अपनी काफ़ी समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं और लैनसन विंग को उस प्रोफेसी के बारे में भी बता देता है कि बाउचे सैरन ने एक प्रोफेसी की है जिसमें लैन वांगजी की शादी विभूषण से होगी। विभूषण लैन वांगजी का हस्बैंड होगा, उसका फ्यूचर पार्टनर होगा। दोनों वेयरवुल्फ वर्ल्ड और वैम्पायर वर्ल्ड के बीच हुई मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करेगा। दोनों का एक बेटा होगा जो पूरे वर्ल्ड में रूल करेगा और पूरे वर्ल्ड में सुख शांति और समृद्धि लाएगा। पूरी बात सुनने के बाद विभूषण कहता है कि लैनसन तुम इस प्रोफेसी को मुझे क्यों बता रहे हो। तो लैनसन कहता है कि मैं ही
वह लैन मांगजी हूँ और बियरवुल्फ वर्ल्ड का सेकंड प्रिंस हूँ। और मुझे ही विभूषण से शादी करनी है और उस प्रोफेसी के अनुसार। विंग लैनसान की पूरी बातें बड़े ध्यान से सुनता है और कहता है कि लैनसान तुम मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, जल्दबाजी और गुस्से में कोई भी कदम मत उठाना और पूरी बात सुनना। विभूषण फिर अपनी बात को शुरू